उनका मानना है कि जो भूपेंद्र यादव हैं केंद्रीय मंत्री, वो राव इंद्रजीत सिंह का अल्टरनेट माने जाते हैं। अहिरवाल क्षेत्र की अगर बात करें, बहुत अच्छी बात है। प्रदीप सरपंच हमारे साथ हैं, आपने ऑर्गेनाइज किया सारा कुछ आज जो है, क्या कुछ कहेंगे जो आज भूपेंद्र यादव यहाँ पर आ रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूँ सत्येंद्र यादव। ये अटेली है, यहाँ कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आगमन हुआ था, जोरदार उनके कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया था। हमारे साथ में हैं सत्येंद्र शास्त्री जी हैं और प्रदीप सरपंच हैं, सराय गांव से हैं, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या उद्देश्य था जो अभी आज भूपेंद्र जी यहाँ पधारे थे? देखिए, आज माने भूपेंद्र जी के तीन कार्यक्रम तो पिछले काफी दिन से तय थे जी, जिसमें स्वामी शरणानंद जी की आज प्रथम पुण्यतिथि और उनकी मूर्ति का अनावरण था जी। उसके साथ यादव सभा का एक कार्यक्रम था और बार एसोसिएशन का कार्यक्रम थे। लेकिन जब इतना बड़ा स्तर का नेता आता है तो बार टीके और उनके शुभ चिंतक जगह जगह पर स्वागत करना बिल्कुल बिल्कुल। सत्येंद्र शास्त्री जी ने बताया कि जब इतने बड़े नेता इनके आते हैं तो स्वाभाविक है उनके अंदर उमंग होता है, जोश होता है कि अपने नेता का वो जो है जोरदार स्वागत करें, स्वागत किया भी। मेरा उद्देश्य ये था, ये पूछना चाह रहा था मैं कि जो आज कोसली भी आए थे, कणिना, महेंद्रगढ़ और काफी जगहों पर कार्यकर्ताओं से वो मिले हैं, अटेली में भी आए थे, क्या उद्देश्य था? उद्देश्य तो मैंने बताया ना कि ये तीन कार्यक्रम थे, जब ऐसे कार्यकर्ताओं से मिलते हैं तो दोनों को एनर्जी मिलती है। क्या किसी नेता को कार्यकर्ता देखकर मांग भी रखी गई होंगी किसी प्रकार की, यहाँ भी अटेली भी सब सब जगह जहाँ जहाँ स्थानीय बार का अपना एक एजेंडा था, यादव सभा का अपना एक एजेंडा था, और जब कार्यकर्ताओं से नेता मिलता है और नेता कार्यकर्ताओं से मिलता है तो सबसे पहली चीज होती है उनको एनर्जी मिलती है। तो सत्येंद्र शास्त्री जी ने बड़ी बात कही, जब इनके बड़े नेता इनसे रूबरू होते हैं तो इनमें कहीं ना कहीं जो है जोश जो है उफान पर होता है, बहुत अच्छी बात है। प्रदीप सरपंच हमारे साथ हैं, आपने ऑर्गेनाइज किया सारा कुछ आज जो है, क्या कुछ कहेंगे जो आज भूपेंद्र यादव यहाँ पर आ रहे थे? आज अटेली में गुरु जी सत्येंद्र शास्त्री जी के मार्गदर्शन में हमने श्री भूपेंद्र जी यादव का स्वागत किया और दोपहर से हम उनका इंतजार कर रहे थे और अब 5 बजे आपसे रोकना चाहूंगा। सत्येंद्र शास्त्री जी हमारे साथ हैं। सर, काफी जो लोग हैं उनका मानना है कि जो भूपेंद्र यादव हैं केंद्रीय मंत्री, वो राव इंद्रजीत सिंह का अल्टरनेट माने जाते हैं। अहिरवाल क्षेत्र की अगर बात करें तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये राजनीतिक बेसमझ की बात है जी। हमको ये देखना चाहिए कि लोकसभा में एक एक ही बड़े से बड़ा मंत्री बन सकता है, लेकिन मोदी जी की अहिरवाल के प्रति जो श्रद्धा और विश्वास है, उन्होंने एक के स्थान पर दो दिए। न तो राजनीति में कोई कहीं विकल्प होता है, न उसका कोई अल्टरनेट होता है। देखिए, मेरा केवल और केवल शास्त्री जी, भारतीय जनता पार्टी अपने नेता और कार्यकर्ताओं को निरंतर विकास की इस प्रक्रिया के अंदर रखती है और उस विकास की प्रक्रिया के अंदर सब लोगों को समय मिलता है। बहुत अच्छी बात है शास्त्री जी, ये मेरा सवाल नहीं है। ये जो अहिरवाल क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें से ये आवाज उठकर आती है कि आप जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र यादव को आगे कर राव इंद्रजीत के अल्टरनेट के रूप में भूपेंद्र यादव को यहाँ पर उतारा गया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन इस इलाके की समृद्धि, विश्वास, विकास और मोदी जी के प्रति जो इन लोगों का सामर्थ्य था दिखाया 2013 से लेकर आज तक, तो मोदी जी हरियाणा के प्रभारी रहते समय भी इस इलाके के लिए विशेष चिंतित थे और आज मोदी जी के पास एक विकल्प था कि हम एक की बजाय दो दें। मैं कहता था जी की अहिरवाल देता पूरा है, मिलता आधा है, लेकिन भूपेंद्र जी के बाद हमने ये कर दिया, अहिरवाल देता एक है, मोदी वहाँ से भेजता दो है। मतलब एक तरह से डबल शक्ति जो है इस क्षेत्र को दे दी गई है, ये सत्येंद्र शास्त्री जी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ही है ना सर जी? बहुत अच्छी बात है। प्रदीप सरपंच से आपकी मुलाकात करवा चुके और सत्येंद्र शास्त्री जी से आप मिल चुके, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि क्षेत्र के लोगों को मोदी सरकार में अहिरवाल के जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनको डबल शक्ति प्रदान करने का काम किया गया है और उन चीजों को नकार दिया है जो सोशल मीडिया और जो वायरल होते रहते हैं अन्य साइट्स पर कि राव इंद्रजीत सिंह का अल्टरनेट जो है भूपेंद्र यादव को उतारा गया है, इस चीज का इन्होंने खंडन किया है। खबर नहीं, सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।